क्या आपका एरिया पे वोल्टेज की कमी है? बहुत सारा जगह पे वोल्टेज की कमी होने के वजह से ई रिक्शा बैटरी अच्छा से फुल चार्ज नहीं हो पाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, ई रिक्शा बैटरी अगर फुल चार्ज नहीं होता है तो फिर ई रिक्शा का माइलेज भी कम देखने को मिलता है। मार्केट में तो बहुत सारा ई रिक्शा चार्जर मिल जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो पे भरोसा के साथ विश्वास देने वाला ई रिक्शा चार्जर के बारे में फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। क्या आप अपने ई रिक्शा बैटरी का लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं और उसके साथ साथ आप चाहते हैं कि आपका ई रिक्शा बैटरी तुरंत फुल चार्ज हो जाए और ई रिक्शा बैटरी को चार्ज करते समय बिजली का बिल भी कम आए? अगर ऐसे ही आपका दिमाग में चल रहा है तो फिर आज की ये जो वीडियो है ना, ये बिल्कुल आप ही के लिए बनाया गया है। आज की इस वीडियो को आप कम्प्लीट जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को वोल्ट्समैन ई रिक्शा चार्जर के बारे में फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। वोल्ट्समैन ई रिक्शा चार्जर की क्या क्या खासियत है, ये चार्जर आपको क्यों खरीदना चाहिए, आज की इस वीडियो पे आपको पता चल ही जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोपाल। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक ही बात बोलेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूले, क्योंकि इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जो वोल्ट्समैन ई रिक्शा चार्जर है ना, इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ इस चार्जर की क्या क्या खासियत है। बॉक्स ओपन करते ही सिलिका जेल हमें देखने को मिला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होता है। इसको हम पहले साइड में रखेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर में से और क्या क्या निकलता है। तो यहाँ पे आप हमारे हाथ में देख सकते हैं, ये हमारा चार्जर सॉकेट होता है। एक चार्जर सॉकेट हमारा ई रिक्शा चार्जर में पहले से ही कनेक्शन किया हुआ रहता है और ये जो दूसरा वाला सॉकेट आप देख सकते हैं ना, इसको हमें ई रिक्शा के साथ कनेक्शन कर लेना है। और यहाँ पे हमें मिल जाता है ई रिक्शा की यूज़र मैनुअल और यही हमारा वारंटी कार्ड होता है। मैं आप सबको बता दूँ, ये जो चार्जर है ना, ये हमारा 24 मंथ यानी 2 साल का वारंटी पे रहता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए जल्दी से ये चार्जर को बॉक्स से निकालते हैं। सबसे पहले ईस्टमैन ग्रुप को दिल से शुक्रिया। ये जो वोल्ट्समैन ई रिक्शा मित्र बैटरी चार्जर की पैकिंग है ना, ये आप खुद देख सकते हैं, जो कि काफ़ी कमाल का है। कितना प्यारा सा एक चार्जर जो कि ईस्टमैन ग्रुप ने बनाया है। और ये चार्जर की जो कलर है सिल्वर और ब्लैक कलर में, ये काफ़ी कमाल का लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना क्यूट सा एक चार्जर जो कि फ़िलहाल हमारे हाथ में है। इस चार्जर की फ्रंट साइड में आपको बहुत सारा फंक्शन देखने को मिलेगा, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से इस चार्जर की बैक साइड में चलते हैं, देखते हैं कि बैक साइड में ये चार्जर की क्या क्या खासियत है। जैसे ही हम इस चार्जर की बैक साइड में आते हैं तो फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिलता है एक प्यारा सा कूलिंग फैन, जो कि एक चार्जर में अच्छा क्वालिटी का कूलिंग फैन होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि आप इस चार्जर में देख सकते हैं। ये जो कूलिंग फैन है ना, ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का इस चार्जर में दिया गया है। मैं आप सबको बता दूं कि ये जो चार्जर है ना, ये एलुमिनियम की बॉडी के वजह से ये चार्जर हमारा हीट भी नहीं होता है। मार्केट में तो बहुत सारा ई रिक्शा चार्जर मिल जाता है और उनमें जो कूलिंग फैन लगा हुआ रहता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, लेकिन ये चार्जर में आपका जो कूलिंग फैन का यूज़ किया गया है ना, इस कूलिंग फैन में साउंड भी कम सुनने को मिलता है। ये हमारा प्यारा सा चार्जर की फ्रंट साइड है, इसमें आप देख सकते हैं ऑन ऑफ का एक स्विच दिया गया है। ये चार्जर में ना LED LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और LCD डिस्प्ले के ऊपर में अपफोल्ड लिखा हुआ जो LED बल्ब देख सकते हैं रेड कलर की, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से इस चार्जर से एक ई रिक्शा को चार्ज करके देखते हैं। ये जो हमारे सामने बाय बाय ई रिक्शा रखा हुआ है ना,
इस ई रिक्शा पे मैं अभी आप लोगों को वोल्ट्समैन ई रिक्शा मित्र चार्जर को कनेक्शन करके दिखाने वाला हूँ कि ये चार्जर से आप अगर अपने ई रिक्शा को चार्ज करते हैं तो कितना समय में फुल चार्ज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस चार्जर में ना वोल्टेज अगर कम भी होता है तो भी ये चार्जर चल जाएगा, यानी अच्छा से आपका ई रिक्शा बैटरी को चार्ज कर पाएगा। तो चलिए जल्दी से इस चार्जर की इनपुट एसी वोल्टेज के बारे में बात करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं 90 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट एसी। इनपुट करंट है 7.5 एम्पियर मैक्सिमम, मैक्सिमम आउटपुट करंट है 18 एम्पियर प्लस माइनस 1 एम्पियर, और यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज है 65 वोल्ट। और ये जो चार्जर है ना, ये 48 वोल्ट का चार्जर है, यानी चार बैटरी को एक साथ सीरीज करके आप इस चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। इस चार्जर पे बैटरी का एएच के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 120 एएच से लेके 140 एएच तक लीड एसिड टाइप। ये चार्जर को मेन लाइन के साथ जोड़ने से पहले ये जो स्विच ऑन ऑफ का देख सकते हैं, इसे पहले आप ऑफ कर लीजिए और उसके बाद मेन लाइन के साथ जोड़ दीजिए। अभी आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो डीसी आउटपुट की जो जैक है ना, इसको आप बैटरी के साथ जोड़ दीजिए और उसके बाद चार्जर की जो ऑन ऑफ स्विच है ना, इसको ऑन कर लीजिए। जैसे ही इस स्विच को ऑन करते हैं और यहाँ पे आप एलसीडी डिस्प्ले को देख सकते हैं, कितना प्यारा सा ये डिस्प्ले लग रहा है। तो चलिए और डिटेल्स में इस चार्जर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं बीओसी, बीओसी का मतलब होता है बूस्ट चार्ज। यहाँ पे जो आप परसेंटेज देख सकते हैं ना, 25, 50, 75, 95, मैं आप सबको बता दूँ, यहाँ पे 25% से आपका बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही 25% कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 25% का जो एलईडी है वो जला हुआ रहेगा और 50% का जो एलईडी है वो ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही करते करते आपका 95% हो जाएगा, फिर ये जितना भी एलईडी है ना वो जला हुआ रहेगा। जैसे ही ये सारा एलईडी जल जाएगा ना, उस टाइम एलसीडी डिस्प्ले पे भी बीसीडी लिखा आ जाएगा, मतलब बैटरी फुल चार्ज हो चुका है। इस चार्जर से आप अगर अपने ई रिक्शा बैटरी को चार्ज करते हैं ना, तो फिर बैटरी का लाइफ को भी बढ़ाता है, क्योंकि ये 18 एम्पियर चार्जर होने के वजह से बैटरी का जो ग्रेविटी है ना वो सही तरीके से बन जाता है। अरे सर ये क्या, मैं तो आपको एक बात बताना भूल ही गया हूँ, इस चार्जर की ना पावर फैक्टर बेस्ट होने के वजह से इलेक्ट्रिक यानी बिजली का बिल भी कम आती है। जिस जगह पे वोल्टेज का कमी है उस जगह के लिए ये चार्जर और भी ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे आप और एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं ये डीसी लाइन को निकाल दिया हूँ, उस टाइम इस चार्जर में जो फॉल्ट लिखा हुआ रेड कलर की एलईडी है वो जलना स्टार्ट कर दिया है। बैटरी का कनेक्शन सही से ना होने के वजह से ये लाइट जलने लगेगा। ये चार्जर आपका ई रिक्शा बैटरी को 7 से 8 घंटा के बीच में फुल चार्ज कर देता है। तो चलिए जल्दी से इस चार्जर की प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप इस चार्जर की प्राइस भी देख सकते हैं, 7,865 रुपये। ये चार्जर को अभी आप अगर ख़रीदते हैं तो फिर मैं आप सबको बता दूं कि ये चार्जर 4,000 से लेके 5,000 के बीच में मिल जाएगा। ये चार्जर आप अगर 5-6 महीना या फिर 1 साल बाद ख़रीदते हैं तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो प्राइस मैं बताया हूँ ना, ये प्राइस मार्केट के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको कंज्यूमर कंप्लेंट नंबर भी देखने को मिलता है 1800419860। वेबसाइट का लिंक है www.voltsman.india। कंज्यूमर कंप्लेंट नंबर और वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दिया हूँ, अगर आप चाहते हैं तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये चार्जर की जो डिस्प्ले है ना, इस डिस्प्ले की ऊपर में मैं आप लोगों को और एक वीडियोस अपलोड करके दिखाने वाला हूँ कि इस डिस्प्ले में और क्या क्या खासियत है। ईस्टमैन ग्रुप को दिल से शुक्रिया। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।